तुम्हें जो भी हुआ है हम मदद करेंगे। मैंने कह दिया ना मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम बेन नहीं है। लगता है किसी ने इसके दिमाग का स्क्रू ढीला कर दिया है। शायद नहीं, उसकी आंखें देखो लाल है। तो उसकी आंखें हमेशा ग्रीन होती हैं। ओ जुड़वा भाई जो मुजरिम बन गया। बात कुछ और है, शायद अल्बिडो उसे कंट्रोल कर रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं बस वो वापस ले रहा हूँ जो तुमने मुझसे चुराया है। तुम मुझे मेरे हाथ से नहीं मार सकते। ये तुम्हारा नहीं मेरा हाथ है। नहीं मेरा है। मेरा इसे रोका नहीं तो ये खुद को ही चोट पहुंचाएगा। तो चलो मेरा, मेरा, मेरा। मजा आया? थोड़ा बहुत। अब क्या? अब मैं एक ऐसा जादू करने की कोशिश करती हूँ जिससे बेन की पर्सनैलिटी उसे वापस मिल जाए। समझ गई। शायद इंपीरियम इन्वेंटम। क्या बात है बेन? ये मेरा नाम नहीं है। कोई बात नहीं क्वेन, ये मैं हूँ। ओके अब बात सीरियस हो रही है, हम इसकी मदद कैसे करें? अगर इसे सुला दिया जाए तो सोमनस। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अब क्या? अब हमें इसका इलाज कराना होगा। ये किसने किया? ओहो शैक कारपेट, इनके गाने बड़े ही निराले हैं। हाँ जो समझ में ही नहीं आती। आ, 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 थोड़ा असली म्यूजिक का मजा लो बेन। सुनो तो उस जमाने में कितनी ओरिजिनल धुनें बनती थी। तुम एक स्टेशन भी बदल नहीं सकते बेन। देखा नहीं ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। ग्रैंडपा से दो थप्पड़ खा लेते पर स्टेशन तो बदलते। अच्छा तो तुम ही जाकर क्यों नहीं बदलती? मैं तो बेन क्यों ना तुम अपग्रेड बन जाओ, फिर हम कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं। बात में दम है, बस तुम ग्रैंडपा का ध्यान बटाना। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा इरादा स्टेशन चेंज करने का है ग्वेन, तो फिर भूल जाओ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं बस यहाँ आपके पास बैठने आई थी। ग्रैंडपा देखिए। क्या है? क्या है वहाँ? वहाँ तो सिर्फ गाय हैं ग्वेन। हाँ कितनी अच्छी है ना। हाँ ये तुमने किया? नहीं मैं कैसे करूँगी, मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है? अब इस रेडियो को क्या बीमारी लग गई? लो कर लो बस, नौ भी निकल आई। बेन तो ये तुम्हारी करतूत थी। चलो अब हमें कम से कम शैक कारपेट को तो नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा बेन, उनके सभी हिट्स मेरी कैसेट में है। मैं बैकअप लेकर चलता हूँ। ओह देखो ग्वेन गाय। कहाँ पहुँचे हम? ऐसा लग रहा है मानो सदियों से इस वैन में बैठे हों। ग्वेन देखो टेस्टी कैंडीज। क्या बात है, वैसे मेरी जेब में एक 10 का नोट तो था पर कहाँ गया? ये रहा, ये नोट किसी को चाहिए क्या? वो वाली टेस्टी लग रही है। ये क्या? ओह नो, आओ भी। ऐसे मौकों पर मेरी मदद करना उसका ही काम है। रे मार्कर बनने में
किसी में नहीं। कहीं ना कहीं तो चिलर मिलना ही चाहिए, कुछ तो मिले। बदबूदार मोजा, ये हुई ना बात। बस समझो पहुंच गया। कितना हसीन नजारा है, मार्केट में नई कैंडी आई है। मदद करो, मजाक नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 10 रुपए तुम जैसे पर क्यों खर्च करूँ, जरा महंगा सौदा है। दिमाग मत लगाओ और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। लगता है कोई ललचा रहा है। वो मेरी है। कोशिश करते रहो बेन, कोई ना कोई तुम्हें जरूर खरीद लेगा। तुम कहाँ जा रही हो? ग्वेन, मेरी बात सुनो। ग्वेन, ग्वेन। जवाब दो। ओए माँ। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे और घर भी नहीं, लेकिन मेरे पास एक पुराना सब स्पेस कम्युनिकेटर था, तो मैंने उससे परफॉर्मेंस ढूंढना शुरू कर दिया जो मेरे शो को थोड़ा वजन दे सकते थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहाँ तुम्हें जो दिख रहे हैं वो विनर्स हैं, मतलब अच्छे एक्टर्स हैं। ये अल्टीमेट्रिक्स बस एक बड़ा सा स्ट्रोब लाइट है। उसके और धुएं के बीच उसने ऑडियंस को इतनी देर के लिए अंधेरे में रखा कि एलियंस आकर निकल सकें। और एक बात बताओ, तुम ये शो कब से कर रहे हो? जब से मैं विलगैक्स की शिप से भाग निकला। मैंने हर सेकेंड क्लास रिजॉर्ट, होटल और मेले में शो किए हैं। एक रात रहता था, अगले दिन निकल जाता। पर अब तुम वो सब बंद कर दोगे, राइट? क्या, और शो बिजनेस छोड़ दूं? ओह, तुम्हारी हड्डियां तोड़ने का मन करता है। ओह, पर इसकी क्या जरूरत? जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ जरूरत क्या है। एल्बिडो ने कितनी बार ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स चुराया है, या फिर तुम्हें किडनैप किया है, या फिर मुझे मारने की कोशिश की है, और अब वो फिर से आ गया है मुझे लूटने के लिए। मेरा चेहरा इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता है और इस झूठे शो के जरिए उनके पैसे भी चुराता है। भड़ास निकाल दी? थोड़ा बहुत। इसी ने तो कल रात मुझ पर हमला किया था। अब वक्त है बदले का। बिना हथियार के तो हमें झटके में मारे जाएंगे। अगर कमील मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती, इंसान के बच्चे। पीछे हटो बदबूदार एलियन। एक पेट्रोस सेबियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूल्हे का दोस्त हूँ। और इसीलिए मेरे दुश्मन। सॉरी मैडम, मुझे लगा वो बदबूदार एलियन है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। माइनर मंकी। मुझे गिराओ। कोशिश कर रही हूँ। और अपने हाथ बिल्कुल इसी पोजीशन पर रखना। छोड़ेगा नहीं। आगे सड़क रिपेयर हो रही है। ब्रेक्स, ब्रेक्स।
स्वम्प फायर। ये तो बिन बुलाए ही आ गया, पर मैं इसी से काम चला लूंगा। जरा सोचने दो। डायमंड हेड, तुम क्रोमास्टोन नहीं हो? हाँ, मैंने तुम्हें पहले वॉर्न किया था, पर तुम हो के ग्वेन ने तुमसे कहा था ना टिश्यू इस्तेमाल करो। मुझे तुम्हारे अंदर क्रोमास्टोन महसूस हो रहा है। कहाँ है वो? जरा एक सेकंड के लिए रिलैक्स करो तो मैं समझाता हूँ। समझाने का काम मुझे करने दो। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे करना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं, मैं टूट रहा हूँ। रुको, उसे तकलीफ हो रही है। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। बेन, तुम ठीक तो हो ना? बेन, नहीं। ये ठीक कह रहा है, ये क्रोमास्टोन है। बेन, मैं हूँ। कैसे? मैं आज तक नहीं समझा ये कैसे काम करता है। क्या वक्त आ गया? हाँ, लगभग। काम हो गया, अब मैं अपनी तकदीर को हकीकत बनाने जा रहा हूँ। मुझे आज ही पता चला कि क्रोमास्टोन उड़ सकता है। ये बहुत कुछ कर सकता है। तो फिर तुम ही हमें सब कुछ बताओ ना। पहले तुम लोग जरा मुझे तो ठीक कर दो। ओके, लगभग तैयार हो गए तुम। लगभग मतलब? अब जो मिला उससे तैयार कर लिया। एक मिनट, तुम इसे लेकर क्या करने वाले हो? इसे पहले जैसा बना रहा हूँ। जब मैं ऐसे टुकड़ों में बटा हूँ तब ट्रांसफॉर्म करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वैसे भी कभी ना कभी तो बैटरी खत्म होगी ही। क्या हुआ, सारे पुर्जे सलामत तो है ना? टिटवेल का क्रिस्टल अंडों का कलेक्शन हर एक को हाथों से तराशा गया है, इसीलिए सब अलग अलग हैं। वैसे सबसे पहले ये रूस की सेंट पीटर्सबर्ग गैलरी में थे। कांच को फुलाकर ऐसा आकार दिया जाता है और जानते हो, इन छुट्टियों में काम की चीजें सीख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ डायमंड हेड की जरूरत है। जरा मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन अंडों का करोगे क्या? बेन, तुम इन्हें बिना तोड़े नहीं बचा सकते क्या? चलो तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। ये लो, अब तो तुम खुश हो ना बेन? बेन, तुमने कमाल कर दिया। और क्या, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं कर सकता? Oops. Ben.
मुझे ऐसे मत देखो, कहा था ना वाटर पार्क चलते हैं। Hey, Grandpa, यहाँ देखिए, मेरी कैंप फायर के बारे में डाउनलोड की गई इन्फॉर्मेशन काम आ गई। शुरुआत अच्छी रही। बेन, हमें डिनर के लिए उस आग की जरूरत थी। टेंशन नहीं लेने का, एक नासमझ अगर इस आग को जला सकती है तो एक सुपर हीरो तो झटके में ही से। कोई हीरो नहीं चलेगा बेन, अब ये आग बेन ही जलाएगा। खाना तभी बनेगा जब तुम ये काम कर लो। ये रहा, अब मुझे थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है और फिर ग्रैंडपा को पता नहीं चलेगा तो नाराजगी कैसी। ये हुई ना बात। बेन ने देर कर दी। अब मैं जल्दी से बेन बन जाता हूँ। ओह नो! अरे वाह, क्या आग लगाई है। मैं जानता था बेन। बेन, बेन, कहाँ गए तुम? डिनर तैयार करना है। वापस आ जा, वापस आ जा, जल्दी जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है। आग कहाँ लगी है? चोर आखिर कब तक खैर मनाएगा? उस आग को बुझाओ और फिर से शुरू हो जाओ। पर ग्रैंडपा, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है अगर इसके भरोसे रहे तो नाश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? गए कब से?